हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू ब्लॉग में। और आप सभी जो भी हमारे प्यारे व्यूवर्स न्यू जुड़ रहे हैं, तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी मेरा लाइफ रूटीन रहता है आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप सभी का प्यारा प्यारा कमेंट का जो है रिक्वेस्टेड वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी ब्लॉग होती है चालू। देखिए 7:28 हुआ है और अभी जो है हम डिनर ही कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है जल्दी मौसम जो है ना, शाम जो है जल्दी हो जाते हैं हमारे इधर। तो 4:30-5 से मैं लग जाती हूँ डिनर वगैरह की तैयारी करने में। हस्बैंड जी का खाना हो गया है और मैं जो है आज खा रही हूँ मरवा का रोटी और चटनी। और यहाँ पे देखिए सभी कुछ खा पी के जो है कुछ इस तरह से हमारे चूल्हा का जो है लुक दिख रहा है। जब हम खाना पीना बनाते हैं तो यहाँ पे सभी कुछ जो है पूरे तरह से मेसी हो जाता है। सभी कुछ को उठा के लहसुन वगैरह छिली थी, लहसुन वगैरह का जो चटनी बनाई थी वो, तो सबको अभी साइड कर रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम जो है मैं उठा के नहीं रखती हूँ, साइड कर देती हूँ जमा करके। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिपाई करूँगी हमारे चूल्हा की। और ये जो है अब रात की वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आप सभी को। तो रात में जो है हम 9 तक जो है पूरा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है सभी कुछ करके, क्योंकि जल्दी जब डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ तो जल्दी सभी काम हो जाते हैं। 7 के अंदर ही पापा मम्मी बच्चे लोग भी सभी खा लिए, सब से लास्ट मैं बैठती हूँ खाने के लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को टाइम दिखाई, और मेरा भी खाना हो ही गया था लगभग। तो यहाँ पे देखिए हम जो है चूल्हे को जो है लिपाई कर रहे हैं, और चूल्हे से जो है किस तरह से धुआं निकल रहा है, क्योंकि इसमें अभी आग भरा हुआ है। और ये जो है गरम जो चूल्हे पे जो हम मिट्टी का लिपाई कर रहे हैं ना, जो इसके लिए भाप बनके जो है धुआं टाइप निकल रहा है। और आप लोग का कॉमेंट रहते हैं मैम जो आप पेटीकोट करके कंटिन्यू वीडियो डालिए, तो हमारे चैनल पे जब से आप लोग रिक्वेस्ट किए हैं तब से हमारे चैनल पे पूरे पेटीकोट टक करके वीडियो है। और पेटीकोट टक करके आगे भी आप लोग को वीडियो देख रहे हैं और देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग का जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो रहेगा मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे जो है 2 पहले हमारे इधर लाइट नहीं थे, तो हम जो है सिल्ला रखे हुए यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। और बर्तन जो भी खाया हुआ बर्तन था सुबह का भी, जो चावल वगैरह पकाए हुए थे, सभी बर्तन अभी वैसे ही है, क्योंकि इसमें भात थे तो हम लोग शाम के टाइम अभी खा लिए हैं। और सभी बर्तन को हम इकट्ठा जमा कर लिए हैं, और लिपाई करने के बाद साथ में ही मैं ले कर चले जाऊँगी। तो देखिए हमारा जो है चूल्हा के जगह जो है पूरे क्लीन हो गया है लिपाई करके और साफ़ सफाई करके। अब जो है मैं जा रही हूँ, राख जो है मैं निकाल ली हूँ, अब जा रही हूँ चापाकल के पास। तो चापाकल के पास हम देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं। पूरे अंधेरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि लाइट है, लेकिन लाइट जो है ना इतना काम नहीं करता है। जैसे एक लाइट है और वो जो है अच्छे से हम लोग को तो दिखता है, पर कैमरा में नहीं दिखता है ना फ्रेंड्स। इसके वजह से मोबाइल की रोशनी जला जला के हम शूट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो भी चीज़ करते हैं ना आप लोग के साथ शेयर करें, और आप लोग भी हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें खुशी हो रही है कि हम जो भी चीज़ करें आप लोग के साथ शेयर करें, और आप लोग भी हमारे वीडियो को प्यार और सपोर्ट दें। तो यहाँ पे जो है बाकी सब भी जो है खाए पिए जो भी है, और शाम का जो भी बर्तन है सब तो हम घस लेते हैं। रात के टाइम इतना बर्तन निकलता है, सभी बर्तन को मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ कहाँ पे बच्चे लोग चम्मच ये वो कप वगैरह रख देते हैं। तो सभी बर्तन को मैं यहाँ पे लाके और पूरे प्रॉपर तरीके से सभी बर्तन को साफ़ सफाई करके मैं रखूँगी। तो सुबह में जो है मेरा जो है काम है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो थोड़ा लेट भी उठती हूँ ना, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम हुआ रहता है और बाकी जो है साफ़ सफाई रहता है तो उठ के करती हूँ, फिर सिर्फ नहाना रहता है। तो ये सब
रात में कर लेती हूँ तो आसानी हो जाता है मुझे ही, और रात के टाइम भी करती हूँ तो मुझे ही करना है, सुबह के टाइम भी करती हूँ तो मुझे ही करना पड़ता है इसके वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चेहरा भी आप लोग को नहीं अच्छी तरह से दिख रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, और आजकल जो है ये जो शबनम गिरता है ना फ्रेंड्स, कुहेसा लगाया हुआ रहता है ना, इसके वजह से भी ज़्यादा जो है इस तरह से बना रहता है धुंधला, और तो इसी वजह से क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम आप लोग के साथ हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सभी कुछ हो जाता है, बस सोने जब जाऊँगी तो सभी कुछ फ्रेश कर लेते हैं, हाथ पैर को साफ कर लेते हैं, और हर रोज़ मैं करती हूँ इस तरह से। और शाम के टाइम मैंने फेस वॉश किए हुए थे तो इसके वजह से मैं अभी फेस सिर्फ पानी से ये करी हूँ, ये नहीं सॉप वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और उसके बाद जो है मेरा बर्तन हो जाता है साफ करके तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, और सुबह तक जो है पूरे पानी गर जाता है, निकल जाता है, सूख जाता है बर्तन, तो काम भी करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिस जगह पे जो बर्तन मुझे रखना है सभी को हम रख देते हैं इस तरह से पलट के, और फिर आ जाती हूँ हमारा बेड क्लीन करने के लिए। बेड जो है क्लीन ही रहता है लेकिन फिर भी सोने के टाइम सही कर देते हैं। इस पर जो है बेडशीट हम नहीं बिछाए हुए हैं क्योंकि ये जो है ऊपर से जो हम गद्दा बिछाए हैं ना, तो ये हम हाथ से ही बनाए हुए थे महाराष्ट्र में, तो यही हम बिछा रहे हैं। और सॉफ्ट भी है तो इतना कुछ नहीं लगता है, पर बच्चे लोग का बिस्तर वगैरह जो है क्लीन हमने कर दिए, बच्चे लोग भी सो गए हैं पूरे तरह से, अभी सिर्फ मैं जगी हूँ और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे जो है आजकल जो है ठंड जो धीरे धीरे से फ्रेंड्स ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम ये ब्लैंकेट ये कर रहे हैं और एक नीला वाला ब्लैंकेट है, दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं साट देते हैं, हम लोग तो साट ना बोलते हैं, और एक साथ ही कर देते हैं ब्लैंकेट जोड़ देते हैं दो, तो फिर ठंडी नहीं लगता है, नहीं तो मुझे ही ज़्यादा ठंडी लगता है। हस्बैंड जी को तो इतना ठंडी नहीं लगता लेकिन मुझे बहुत ठंडी लगता है। और फिर आजकल जो है मच्छर भी कम हो गया है घर में, सोने टाइम नहीं लगता है मच्छर, लेकिन मुझे मैं जब मच्छरदानी नहीं लगाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आते हैं, तो इसके लिए हम मच्छरदानी भी लगा लेते हैं। और रोज़ ही मेरा खोलना बंद करना लगाना इस तरह से रहता है, लेकिन ये मच्छरदानी से ना बहुत ही आसान हो गया है फ्रेंड्स, सच में बताए तो। फूल जो है मैं इसको जो है ना फूल स्टार दी थी जब खरीदी थी तो, और सच में बोलती हूँ बहुत ही काम की चीज़ है ये। जैसा मर्जी वो जहाँ पे सोना है वहाँ पे आप इस तरह से मच्छरदानी सेट कर लो और सो जाओ बिंदास हो के, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो ये देखिए हमारा लगभग जो है इस तरह से काम हो ही गया है फ्रेंड्स। सभी को काम करने के बाद आ जाती हूँ बिस्तर पे, और आप सभी प्यारे दोस्तों को करती हूँ बाय बाय। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई रूटीन के साथ, अब तक लिए बाय बाय फ्रेंड्स।